करेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के आशाराम आश्रम में की ओर से बल्लभगढ़ स्थित एक निजी वाटिका में तुलसी पूजन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भाकरी आश्रम के संचालक रामा भाई ने तुलसी पूजन किया और उसका महत्व भी बताया। उन्होंने इस मौके पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ तुलसी की प्रदक्षिणा कर आरती की और तस्वीरें फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित एक निजी वाटिका की है, जहाँ पर बड़े दिन को बापू आशाराम के समर्थकों ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। इस दिन को उन्होंने तुलसी पूजन के रूप में मनाया। इस तुलसी पूजन और तुलसी वितरण कार्यक्रम में बापू आशाराम के सैकड़ों अनुयायियों ने शिरकत की। वहीं इस अवसर पर भाकरी आश्रम के संचालक रामा भाई ने तुलसी पूजन किया और इसका महत्व भी बताया। उन्होंने बताया कि तुलसी का धार्मिक आयुर्वेदिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्व। तुलसी के विभिन्न औषधीय और आध्यात्मिक फायदों से प्राचीनतम काल से अवगत होने के कारण सनातन संस्कृति में इसे माता का स्थान दिया गया है। यह स्वास्थ्य व पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम है। उन्होंने कहा कि केवल भारत ही नहीं वरन विश्व के सभी लोग तुलसी के सेवन रोपण से के चमत्कारिक लाभों का फायदा उठाकर स्वस्थ निरोगी जीवन पा सकते हैं। तुलसी को घर का वैद्य भी कहा गया है। और वहीं इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हनीश अहूजा ने बताया कि ये प्रथा परम पूज्य बापू आशाराम द्वारा शुरू की गई थी। आज यहाँ पे तुलसी पूजन कार्यक्रम रखा गया है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी की प्रेरणा से ना पूरे विश्व भर में 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। इसमें हम तुलसी की पूजा करते हैं पूरी विधिवत तरीके से और तुलसी वितरण भी कर रहे हैं हम करीब करीब महीने से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं तुलसी वितरण हो रहा है। जैसे कि 3 लाख से ऊपर तुलसी वितरण हम कर चुके हैं। फरीदाबाद में भी जगह जगह पर जो हमारे आसाराम बापू जी के कीर्तन मंडल हैं या जो भी संस्था के लोग हैं अलग अलग अपने अपने एरिए में तुलसी वितरण करते हैं। आज 25 दिसंबर होने की वजह से यह विशेष और बड़ा आयोजन किया गया है। वैसे हर स्कूलों में जगह जगह पे मॉल्स में तुलसी वितरण हुआ है और तुलसी पूजा के बारे में और तुलसी की महत्वता के बारे में बताया गया है। तुलसी के उपलक्ष्य में आज मेन जो विशेष दिवस होने की वजह से आज तुलसी पूजा का बहुत कार्यक्रम रखा है। तुलसी पूजन सिर्फ ये बल्लभगढ़ में फरीदाबाद बल्कि बल्लभगढ़ में आयोजित किया गया या पूरे ऑल ओवर इंडिया के? ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। जहाँ जहाँ पे संत श्री आसाराम बापू जी के साधक और जहाँ जहाँ उनके अपने आश्रम हैं वहाँ पे सभी संस्थाएं अपने अपने एरिया में कर रही हैं। जैसे हम लोग बल्लभगढ़ में कर रहे हैं तो इस तरह हर कोई गुजरात में अलग, पंजाब में अलग, महाराष्ट्र में अलग, राजस्थान में अलग, सभी अपना तुलसी पूजन कर रहे हैं और तुलसी वितरित हो रही है। तो तुलसी वितरित करने का मकसद क्या है? ऐसे लोगों को जागरूक करना। तुलसी एक सजीव पौधा है और इसके गुणों को बताना यही चीज़ है। अब वैसे हम क्रिसमस डे का विरोध नहीं करते हैं लेकिन क्रिसमस डे है वो प्लास्टिक के पौधे का मनाया जाता है, जो कि आप सब जानते हैं प्लास्टिक का पौधा उल्टा पॉल्यूशन फैलाता है। तो हमारे गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी की पहल है जो उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व शुरू करी थी कि भैया हम जागृत पौधे की